क्या आपने कभी सुना है कि कोई खिलाड़ी चलता हुआ मैच रोक दे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे कोई गीत याद नहीं आ रहा? अगर आपने नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं, ऐसा वाकई में हुआ है और ये किया है वीरेंद्र सहवाग ने। जी हाँ, सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ही ऐसा कर सकते हैं। मामला अप्रैल 2008 का है, जब उन्होंने चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 13 शतक बनाया। सहवाग ने कहा, मैं चेन्नई में 300 पर बल्लेबाजी कर रहा था, मैं गीत के बोल भूल गया, तो मैंने 12वें खिलाड़ी ईशांत शर्मा को मैदान पर बुलाकर कहा कि मेरे आईपॉड से गीत के बोल निकाल कर लाए, और उसने ऐसा किया। सबने सोचा कि मैंने ईशांत को ड्रिंक्स के लिए बुलाया, लेकिन कई बार 12वें खिलाड़ी को ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो गीत था तू जाने ना। सहवाग ने ये बात गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के उद्घाटन के मौके पर कही, जब वीरेंद्र सहवाग से पूछा गया कि रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को खेलते हुए आप कौन सा गीत गाएंगे, तो सहवाग ने फौरन जवाब दिया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम। सहवाग से जब पूछा गया कि बल्लेबाजी करते हुए आप हमेशा गीत क्यों गाते रहते थे, तो उन्होंने जवाब दिया, गेंद खेलने से पहले मैं यही सोचता रहता हूँ कि इस पर मुझे चौका मारना है या छक्का। ज्यादा सोचने से बचने और अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने गीत गाना शुरू कर दिया। यूं तो सहवाग अब मैदान पर नजर नहीं आते, लेकिन सहवाग अब ट्विटर पर अपने वन लाइनर्स के लिए फेमस हो रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट को रोमांचक बनाने वाले सहवाग अब हिंदी कमेंट्री में भी अपनी खास जगह बना रहे हैं। सहवाग ने बताया, एक बार मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान एंड्रू फ्लिंटॉफ मुझे लगातार बाउंसर्स फेंक रहे थे। मैंने उनके पास जाकर कहा, अगर तुम बाउंसर्स नहीं फेंकोगे तो मैं शाम को तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगा जहां बहुत अच्छी करी मिलती है, और ये तरकीब काम कर गई। अपने शादीशुदा जीवन पर उन्होंने कहा, यहां मैं वही नियम अपनाता हूं जो बल्लेबाज के तौर पर अपनाता था, अंपायर से कभी बहस मत करो क्योंकि वो मुझे कभी भी आउट दे सकता है। इसी तरह मैं अपनी पत्नी से भी बहस नहीं करता, अंपायर फिर भी भूल सकता है, लेकिन आपकी पत्नी को लड़ाई के दौरान हुई सारी बातें पूरी तरह याद होंगी। टेस्ट क्रिकेट में 2 तिहरे शतक लगाने वाले सहवाग इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं, और रिटायर होने के बाद फिलहाल सहवाग कमेंट्री और ट्विटर के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं।